एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद में सफलता से हुआ माइक्रो ट्रांस कैथेटर पेसिंग सिस्टम द्वारा सफल इलाज। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली माइक्रो ट्रांस कैथेटर पेसिंग सिस्टम TPS द्वारा सफल इलाज किया गया। इस तरह का ये पेसिंग सिस्टम इलाज पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में पहली बार हुआ है। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में इस विशेष उपलब्धि के चलते एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और प्रेस वार्ता के दौरान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक ने TPS के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माइक्रो लीड लेस पेसमेकर एक नई तकनीक है जो कि हर अस्पताल में संभव नहीं है। माइक्रो लीड लेस पेसमेकर बहुत ही हाई रिस्क मरीजों में लगाया जाता है। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गीतेश मानिक ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर गीतेश मानिक है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एशियन विवेकानंद में। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि वेस्टर्न UP और उत्तराखंड के एरिया में हमने कल के दिन एक लीडलेस पेसमेकर जो कि बिना तार वाला एक कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है जो हार्ट की गति को बढ़ाने के लिए होता है, उसको फर्स्ट टाइम यहाँ इम्प्लांट किया है सक्सेसफुली। क्या कुछ ऐसे पहले मुरादाबाद में नहीं और अब जो है वो इसमें आगे और क्या प्रयास किया? देखिए बेसिकली ये हाई एंड डिवाइस है जिसमें बिना चीरे के बिना टाँके के आप जो पेसमेकर है वो पैर की नस द्वारा हार्ट के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक छोटा सा कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है, आप इसको अगर देखेंगे तो एक छोटे से महीन से कैप्सूल जैसा दिखाई देगा, एक्सरे में भी दिखता है और वैसे भी आप देखेंगे तो आपको हार्ट बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखता है इसमें। तो ये ईजीली पैर से हमारा इम्प्लांट हो जाता है जिसमें बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे मेजर सर्जरी के चांसेस होते हैं पेसमेकर में, रिस्क रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, उसको हम कर्टेल कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस पेसमेकर का निजात किया गया था जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स में बेसिकली ये इंडिकेटेड होता है। एक्चुअली सर जब मंडे को आए थे तो थोड़ा सा उनको गिडीनेस हो रहा था, प्रीसिंकपी टाइप के सिम्टम्स थे, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था उनको, तब उनका हार्ट रेट 38 to 48 अराउंड चल रहा था। तो जब ECG किया तो उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक सिचुएशन होती है जिसमें जो ऊपर के खाने अटके और नीचे के खाने होते हैं वो आपस में डिसोसिएट कर जाते हैं, तो उनकी धड़कन जो है काफ़ी कम चल रही थी, इसकी मद्देनज़र देखते हुए इनको एडमिट किया गया था और पेसमेकर के लिए एडवाइस किया गया। देखिए रूटीन के जो पेसमेकर्स होते हैं वो तो 1.5 लाख से तकरीबन 3 लाख तक वेरी करते हैं, बट क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है, काफ़ी हाईटेक वर्जन है पेसमेकर का, तो जो उसकी लैंडिंग कॉस्ट होती है तकरीबन 10.5-11 लाख के आसपास बैठती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये आम लोग इसको जनता नहीं अचीव कर पाती क्योंकि इसका कॉस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू होता है। सेकेंड, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और जो प्रोसीजरल इम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं जिसके मद्देनज़र बाकी रूटीन में ये ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें देखते हुए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन बन जाता है, बट समहाउ अगर इसमें आपका प्रैक्टिस हो, आप इसके अंदर एक्सटेंड हो, तो हम इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म का डिवाइस है, ये एक फोटोग्राफ में आपको दिखाते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक केबल के थ्रू एक छोटा सा कैप्सूल अटैच किया गया है, तो इसी को ही लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। और मैं एक नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगा आपको, ये कुछ इस तरीके से अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये आपको मक्खी नुमा डिवाइस एक लग रहा होगा जिसके तार लगे हुए हैं, ये हार्ट में डायरेक्टली इम्प्लांट हो जाता है। नहीं, ये आयुष्मान के द्वारा नहीं हो सकता, आयुष्मान में बेसिकली अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं आई हैं कि इतना हाईटेक वर्जन ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट दे सके या ऊपर से सरकार दे सके, ये बेसिकली कैश या कॉर्पोरेट में ही अवेलेबल है। देखिए जिस तरीके से एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इनिशियली जब इसका लॉन्चिंग प्राइस था वो 15 लाख के ऊपर था, तो अभी जब सेकंड कंपनी ने लॉन्च किया तो ये लोग अपना प्राइस 10 से 11 लाख आ चुके हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने की उम्मीद होगी। बट एक टाइम ज़रूर आएगा कि जब से अब लोग इंश्योर्ड हो रहे हैं, हो सकता है कि आयुष्मान में जो उन्होंने 5 लाख का पैकेज दिया है कल को उसको वो बढ़ा दें, तब उम्मीद है कि ये डिवाइस भी इस चीज़ में कवर हो जाए।